नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। कोरोना काल में फिल्म इंडस्ट्री को लगातार नुकसान हो रहा है। ट्रेड से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार फिल्म इंडस्ट्री को हो रहा नुकसान 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है, जिसकी भरपाई मुश्किल नजर आ रही है। इसके साथ साथ मेकर्स को लगातार अपनी फिल्में आगे बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सिनेमा घर बंद पड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण फिल्मों को सितंबर या अक्टूबर के महीने से ही रिलीज किया जा सकेगा। ऐसे में सभी फिल्म मेकर अभी से साल 2020 के आखिरी महीनों की बड़ी तारीखें बुक करने में व्यस्त हो गए। वहीं हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि अजय देवगन ने अपनी फिल्म मैदान को साल 2021 में रिलीज करने का फैसला किया। पहले ये फिल्म इस साल दिसंबर के महीने में रिलीज होने वाली थी। मैदान की रिलीज डेट से जुड़ी खबर सामने आने के तुरंत बाद ही मीडिया में ये जानकारी भी सामने आ गई कि अजय देवगन मैदान की रिलीज डेट पर अपनी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को रिलीज कर सकते हैं। ये फिल्म 1971 भारत पाक युद्ध पर आधारित है, जिस कारण मेकर्स ने प्लान बनाया है कि इसे विजय दिवस पर रिलीज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। यूं तो मैदान और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया दोनों ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, लेकिन विजय दिवस पर रिलीज करने के लिए भुज द प्राइड ऑफ इंडिया ज्यादा सही फिल्म रहेगी। बता दें कि मैदान और भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के मेकर्स ने इन खबरों पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन ये दोनों ही फिल्में अजय देवगन की हैं। ऐसे में ये फैसला आसानी से लिया जा सकता है कि किस फिल्म को विजय दिवस पर रिलीज किया जाए तो ज्यादा फायदा होगा। वही फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मेकर्स को काफी समय से यही सुझाव दे रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में पूरी प्लानिंग के साथ फिल्म रिलीज करें, ताकि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा रुपए कमा सके। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, अजय देवगन को लॉकडाउन के चलते अपनी एक फिल्म के लिए दूसरी फिल्म की रिलीज डेट की कुर्बानी देनी पड़ी। वैसे खबरें तो ये भी आ रही है कि भुज की शूटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। फिल्म में अजय देवगन के कुछ एक्शन सीन्स की शूटिंग होना बाकी है। वही फिल्म मैदान की तो अभी काफी शूटिंग बाकी है। लॉकडाउन के चलते अजय देवगन की फिल्में न सिर्फ रिलीज होने से अटक गई हैं, बल्कि उन फिल्मों की शूटिंग भी अधूरी रह गई है। कहा जा रहा है कि अजय देवगन को भी अक्षय कुमार की तरह भारी नुकसान हुआ है, इसीलिए खबरें आ रही हैं कि वो भुज को मैदान की जगह रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि अजय देवगन की इन फिल्मों की नई रिलीज डेट को लेकर कब तक अनाउंसमेंट होती है।